यू क्या कर रही है अम्मा? तने दुल्हन के रूप में देखने का मन करे पर अम्मा आज मैं अपने हाथों से अपनी लाडो रानी ने मिट्टी बनाऊंगी। पर अम्मा हमारा लाड़ा थे कोना सबने चले जाना है लाडो रानी हुकुम आ जावे ते पूरा करना पड़े। पर अम्मा किसका हुकुम? ताई ये पहन ले, मैं चाय बना ला, सर बड़ा दुख रहा है। अम्मा ताई लेट जा, काम कर करके महल में थक गई होगी। मैं चाय बना लूंगी और तेरा सर भी दबा दूंगी, तने बहुत अच्छा लगेगा। दुल्हन भी घर के काम करे एक है। हाँ? ते ये पहन ले, लाली भी ले ले, रूप चढ़ना चाहिए ना हमारी लाडो रानी ने। लड्डो? हाँ माँ। दूध को ना लाई तू आज? अम्मा वो कल भानो के हाँ रुक गई थी ना, भूल गई। अब मैं लेकर आती हूँ। ना मैं ले लूँ, साथ में जिंदू को मिल भी लूंगी। ए बीना, हम्म, रात गूढ़ी होती जा रही है, लाडो को ना आई? आ जावेगी, तन्ने पता था है उसका, बैठ गई होवेगी मासी बिंदी के घर। ते जाना, जाकर देख करा, मन्ने तसल्ली हो जावेगी। हाँ ते की भी परेशान होवे, आ जावेगी। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ, ते रहन दे, पता नहीं किधर चली गई हो। यो कौन? अरे कजली भीतर आ, मैं लाडो को ही देखने जा रही थी अभी मासी बिंदी के घर। आ जा। महल से आई था, चाह पीने का दिल चाह रहा था, जे देखा तो दूध दी कोई ना। लाडो जो सोती हाँ, दूध कौन आ रहना। आ जा बैठ, बिना जा मासी को दूध ला के दे। आज इजाजत मिल गई महल से निकलने की? जे हुक्म मिला तो चल पड़ी। जुगनी कैसी है? जुगनी भी ठीक है, उसका छोरा भी ठीक है। और वो दूजी का? वो भी ठीक है, सब ठीक है। ले मासी मलाई भी डाल दी मन्ने, लाडो बड़े शौक से खावे। तै रुकेगी कि जाएगी? हुक्म तो वापसी का है,
पर थक गई अनजान में। थक गई है ते आराम कर ले, सवेरे चली जाना। तन्ने ते पता है टिकने को ना देवे, बुलान भेज देवेंगे किसी ने। चल जे जान लगे ते लाडो को मेरे पास छोड़ जाना। जा मासी को छोड़ कर, दरवाजा बंद कर ले। रब राखा। रब राखा। कुंडी ला ले। बीना ने चौकी मलाई डाल के दी थी, मैं सारी चा में डाल के ले आई। तने चा अपने लिए बनाई को ना? यो मारी चा है। ते इसमें से मलाई मलाई खा ली, चा मैं पी लूंगी। उमा आज ते मजा आ गया। हाँ मन्ने भी दे गुड। उमा मलाई मेरे लिए छोड़ दो। ले ते भी चाहते बहुत अच्छी है, रोज आके बना दिया करना। हाँ बना दो। लाली किधर है? यो है सपनों का घर, मारे पी का नगर, आज माँ पे खाक मैं तो छोड़ जाऊंगी। अम्मा तो ठीक तो है ना माँ? हाँ बस विदाई का वक्त याद आ गया। काश मैं विदा कर सकती तन्ने। अरे अम्मा मारी विदाई ते को ना। खजला कहाँ है? खजला कहाँ है? चल ते भी गाना मारे साथ। सपनों का घर, मारे पी के नगर, आज माँ पे का घर मैं ते छोड़ जाऊंगी। पी मारे संग ना लड़ियो, ना लड़ियो, कद याद ना करियो, ना करियो, मोरे सपनों का गा गा मेरे साथ गा।
हर रिश्ता मैं तुझसे मन याद ना करियो छोड़ जाऊंगी आज सारे रिश्ते तोड़ जा कदे जो है सपनों का मारे संग मारे संग ना लड़ियो ना लड़ियो ना लड़ियो ना लड़ियो आज सारे रिश्ते मैं तोड़ जाऊंगी ना लड़ियो आज सारे रिश्ते मैं तोड़ जाऊंगी गुल्लू छोटे साई चल कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं बड़े साई गांव को मैं भुक्का रखना है इनको तो दाद साई ने को दूर की सोची अच्छा चल जाके इसको बुला ला राह ढलना शुरू हो गई लंगड़ी है छोटे साई आने में वक्त तो लगेगा अच्छा फिर भी जा जाके पता कर कर जिंदो खजली 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 क्या किया तुमने बीना बीना जिंदो हाँ क्या हुआ क्या हुआ मासी
छोटे साईं, क्या हो यार गुल्लू, आ गई के? हाई कौन हो तो चली गई के? भाग गई? अरे भाग के जाएगी कहां? जरा के पीछा कर। कैसे पीछा करूं उसका, तो दुनिया से चली गई। के कह रहे हैं? कजली ने अपनी छोरी के जहर दे दिया। तो लुट गई थी जे भागी टांग गवा बैठी फिर भी लुट गई फिर लुट गई थी पर अपनी छोरी नहीं लुटते ना देख सकूं मैं इस वास्ते तूने जुलम से बचा लिया मन्ने मारी लाडो नानी ने मारी लाडो नानी ने जुलम से बचा लिया खजली ने अपने आखे खजली की मैं भी देख लू उसका जाम हिम्मत कहां से आ गई उसमें? समझ कौन आवे? समझाया था कि ना कर सरत पर मारी एकला सुनी तुमने उल्टा मारी दुश्मन बन गयो देख लिया ना जल्दबाजी का अंजाम योले भाई ये वाला नंबर मिला दे यो तो सरकारी नंबर है गुल्लू भाई तो मैं सरकार से बात को ना कर सकूं के क्यों ना कर सकूं गुल्लू भाई मैं गुल्लू साहब से बात करवा देंगे मेहरबानी क्या हुआ यहां पता करो मैं देखता हूं सर बाबा वो यहां किए थे एक कजली और उसकी छोरी ने खुदकुशी कर ली हाँ। क्यों पता कौन लगा सर जी वही है जिसका बयान लेने आए थे हम तुमने महल बंदा भेज दिया बंदा गया है इतला देने के लिए मैं
गुल्लू दास साई मैया तैयार हो गई के? तैयार हो गई दास साई। चल फिर गाड़ी निकाल हो क्या हमें, आखिर को मारी वफादार थी, इतना हक था बने ना उसका। हाँ भाई के खबर भेजी है करम दाद ने? डीएसपी साहब आए हैं कोर्ट में बयानबाजी के लिए, आपने गिरफ्तार करेंगे। के तैं अब तक यहीं खड़ा है, जाके गाड़ी निकाल। और इस बार तो पूरी तैयारी से आए हैं, काफी लोग हैं उनके साथ। कहीं ससुरा दोना का कत्ल मारे पे न डाल देवे। इन दोनों लाशों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचवाओ और मुझे एक घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, समझ आ गई? जी सर। चलो मेरे साथ आओ जी। हसरतो, ओ हसरतो, हसरतो, आवाज कौन आ रही? ओ हसरतो, हसरत के अब्बा साहब। ओ नीचे जल्दी। अब्बा साहब मैं कोना जाना जनाजे पे, आप हो आओ, मन्ने खाम खा डर लगेगा रात को। अरे उस ससुर डीएसपी ने हमारी मैया उठाने का बंदोबस्त कियो है, जल्दी आ। इन सब के बयान लिखो और रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाओ। बयान मुकम्मल हो चुके हैं सर। सब गवाही देने के लिए तैयार हैं? नहीं, मजबूर हैं सारे के सारे। थारी कुर्सी बदल जावेगी पर इस गोट का नसीब कौन बदलेगा। इन्होंने ऐसे रास्ता बंद किए बस, हाँ जैसे हम कोर्ट वालों के लिए रास्ता बंद करें। तो बकवास बंद करो अपनी। हमारे बकवास बंद करने से कौन सा कोई रास्ता खुल जाएगा? आज तो मन लगे मारी हार है, ससुरे की हालत गई है। आप गाड़ी में बैठे रहे दादा सिंह, आपसे तो उस दिन काफी बातें हो गई, आज जरा छोटे से ऐसे कुछ बात करेंगे।
रात में खटकी थी मन्ने। मन्ने अम्मा से क्या अभी तक मासी परेशान लागे है। मैं तो यो ही समझी थी कि महल में काम कर करके थक गई होगी। रात में मारी और भी आई थी दूध लेने। ये पता था कि मरते हुए यो बिना बता सके कि बात के थी। बस इतना ही बोली कि बेटी को लूटते ना देख सकूं। यो जरूर दास या हसरत ने कोई बात करी होगी। उस दिन अस्पताल में हमारी मुलाकात अधूरी रह गई थी। हमारा ख्याल था कि जी पूरी हो गई थी। तुम्हारे ख्याल और हमारे रिकॉर्ड में फर्क है। तो जी जितना भी फर्क है बता दें, पूरा कर देंगे। कौन कौन सा फर्क बताओगे? जी आप बताते जाए पूरा होता जाएगा फर्क। हंस हंस के बात कर रहा है ससुरा, पर खुद भी मरेगा मरने भी मरवाएगा। चलो फिर उसी दिन से शुरू करते हैं जिस रात तुम्हारा शिकार अधूरा रह गया था, पकड़ा नहीं गया था। वो क्या कहा था तुमने? हाँ, पंजला, पंजला लग गया था ना तुम्हारी टांग में। हाँ जी जी, बताया था मरने आपको, शायद आप भूल गए होगे। मुझे सब याद है हसरत, जो जो तुमने कहा वो सब याद है। तो लो जी बात ही खत्म हो गई। बात अब शुरू हुई। तब ये बताओ कि उस रात किसका शिकार करने निकले थे? ये मन में तो लग गया था कि हमारी बात अस्पताल की मुलाकात की हो रही है। ये वो मुलाकात कैसे और किन हालात में हुई ये भी तो लिखना पड़ेगा। कहा धड़ा कहा लिए न कर रहा बंदोबस्त कर लेने दे मन ने, पर मारी एक बिना सुनी इसने। क्या दास साईं से पूछ के बताओगे? वो भी तुम्हारे साथ है? नहीं जी, मैं कल्ला ही था। तो फिर बताओ किसका शिकार करने गए थे? जी शिकार तो शिकार हुए, जो ही मिल जाए। हलाल हराम दोनों या सिर्फ हराम? नहीं जी, हराम नहीं, हराम मरने सूट ना करे, ओनली हलाल। सूट तो तुम्हें हलाल भी नहीं करता। मरने लगे हंसा हंसा के फुसला लिया है ससुरे ने। कभी थाने की मार खाई है हसरत? जी एक दफा बचपन में मन्ने दास है की चमाटे खाई थी। और वैसे भी हम जी थाने की मार क्यों खाएंगे? थाने में मार इंसान जब खाता है जब इंसान झूठ बोलता है। झूठ ना जीना, दास साईं ने तो मन्ने झूठ बोलना सिखाया कोना, झूठ के शय हुए मन्ने पता ही कौन है। आज बताएंगे तुम्हारे दास साईं। बिठाओ से गाड़ी में। नहीं जी, मैं खुद ही चला जाऊंगा, शुक्रिया। आज तुम अपनी गाड़ी में नहीं, हमारी गाड़ी में बैठो। जी दास साईं कल ले जाएंगे? फिक्र ना करो, वो भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ले जाओ इसे। मन्ने लागे भुगतान शुरू हो गया। ते यो कहाँ लेके जा रहा है ते? ते कोई वारंट है तेरे पास? इब्तदाई पूछगछ के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती दास साईं। ये जाट कराए थे, मैं ऊपर बात करूंगा। ऊपर तो आप पहले ही बात कर चुके हैं, मुझे रात को तेला मिल चुकी है, अब जरा नीचे बात हो जाए।
जुगनी जुगनी माती गजली को नहीं रहे मासी मासी उस कर जुगने सबर रख सबर रख वाद गजड़ की वजह से वो मरी वो भी जिंदा ना रहे में आज जितनी भी बातें होंगी ना दाद साई वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होंगी थक जावे को डीएसपी पर इस खज्जल से कुछ हासिल कौन आवे को तुमने आज जब मैं गोट आया हूं दाद साई तो वहां दो लाशें पड़ी हुई थी हाँ पता है मन्ने वो हमारी नौकरानी थी उसने अपनी बेटी को जहर दे दिया और आप भी जहर क्यों दिया ये खबर नहीं पहुंची आप तक जान आ रहा था पर शहर से पैगाम आ गयो तो जल्दी में उधर निकलना पड़ गयो ये वापसी में पता करूंगा कजली को तो आपने चिल्ले तक महल में पाबंद रखा हुआ था तो वो गोट क्या लेने गई थी अपनी बेटी को आपके बेटे ने भेजा था उसे ये ससुर ने क्या कह दिया उल्टा सीधा मैंने कह दिया था कुछ कह रहे हैं आप हाँ वो देखिए दासाई मैं समझता हूँ कि आप अपने बेटे की वजह से परेशान हैं लेकिन हाँ ते जाने हैं सही हम तो जानते हैं लेकिन आप नहीं मानते चले बाकी बातें थाने चल के करते हैं ले चलो उनको भी सर ये लेटर आपके मुझे कहा गया है कि आपको रिसीव करवाकर फौरन रिपोर्ट करो हथकड़ी खोल दो इसकी और रिपोर्ट में लिखना कि जब रेड की तो दाद साई घर पे नहीं थे और उनका बेटा पुलिस को देख के भाग गया जो के खेल खेल रहते हैं ये रिकॉर्ड की बात है दाद साई और ऑफ द रिकॉर्ड बात ये है कि खेल तो आप खेल रहे मेरी तो अभी बारी भी नहीं आई हाँ फील्ड थोड़ी चेंज हो गई है लेकिन जब कैच हाथ में आएगा तो अंपायर की उंगली उठेगी यो उंगली उठने से पहला तें दुनिया से उठ जावेगो यो वादा है मारा चल रहे हसरत है सर जी आपने तो लेटर देखा ही नहीं और इनको जाने दिया मेरा प्रमोशन लेटर है करमदाद फिर तो मुबारकबाद होती है ना सर जी साथ में ट्रांसफर ऑर्डर्स भी हैं और आज ही मुझे आजी साहब को रिपोर्ट करने के लिए कहा है तो फिर इस केस का क्या इस केस की फाइल रिकॉर्ड रूम तक नहीं जानी चाहिए तुम तो जानते हो मैं कोई भी केस अधूरा नहीं छोड़ता ये भी नहीं छोड़ूंगा एक दिन जरूर वापस आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा सामना करते हुए शर्मिंदगी नहीं होगी
महल से निकाल रहा हूं। जो बहू है मारी ते भीतर रह छोरी है। मारे खिलाफ जलने वाली आग मट्ठी हुई है बुझी कौन उस बुझ लेने दे सपने जला दे वे। बोल सखी बोल सखी क्योंकि मैं ग्रीन हूं।